कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम है और 6:30 हो रहे हैं। वैसे आज संडे है, हम हमेशा संडे को लेट उठते हैं, लेकिन आज जल्दी उठने का रीज़न ये है कि हम लोग सारे जा रहे हैं आज इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, जो इस्कॉन टेम्पल है वो रोहिणी में अभी नया नया बना है, तो हम तीनों जा रहे हैं और कीर्ति जो हमारी सिस्टर है वो भी जा रही है, तो उसी में ही हमें उठाया। हम लोग ना अलार्म लगा के सो रहे थे, लेकिन नींद बहुत गहरी थी। फिर उसका फ़ोन आया तो उसने कहा चलो भाई अभी उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया। तो हमने सोचा सुबह सुबह जाना सही है, मौसम ठंडा रहेगा, इतनी धूप नहीं रहेगी। वैसे तो बारिश वाला टाइम है, लेकिन फिर भी तो हमारे साथ बने रहना। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस्कॉन टेम्पल जो नया बना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। निक्की चारू भी उठ गए थे तो मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी काम किया, उसके बाद नहा धो के मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और जो मेरी बहन है वो उसको बहुत टाइम लगता है, जा रही पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे इतना मेकअप कर रही है। बताओ मैं रेडी हो चुकी हूँ और आपको लग रहा है मैंने मेकअप किया है? क्या मेकअप किया है? जो इन लोगों ने किया है वही मैंने किया है। तो हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, दिल्ली में रह के भी हम लोग इस्कॉन टेम्पल, मैं तो नहीं गई, गए हुए हैं एक बार, तू भी गई थी। हम कालकाजी वाले इस्कॉन टेम्पल गए हैं, पर अभी जो रोहिणी वाले जा रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? तो हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, दिल्ली में रह के भी हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए हैं सिर्फ एक बार, और हमें अभी पता चला है कि दिल्ली में 8 इस्कॉन टेम्पल हैं। तो हम जो गए हैं वो है कालकाजी वाले इस्कॉन टेम्पल, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, बट अब अभी एक नया टेम्पल बना है रोहिणी की साइड रिठाला पे, तो हम लोग अब उसको वहाँ नहीं, तो हम लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आज संडे भी है और हमने सोचा था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत टाइम से ना बारिश हो रही थी और आज ही धूप निकली है, आज ही। तो बारिश वारिश का कोई फ़ायदा नहीं है, धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, जाना जाना है। अब मैं कहा हूँ साथ चलोगे तो आप भी आ जाओगे। अरे अंकल तो हम लोग करे हैं बस का वेट, और ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हम इतने प्यारे मौसम में जा रहे हैं घूमने। और ये हमारे फूफा जी हैं जो पापा से मिलने, और आप देख ही सकते हो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आना आना नहीं मेरा वो नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी बस आ चुकी है, अब हम बैठ के फटाफट मेट्रो जाएंगे। संडे था तो ये बाहर की साइड पे ना, संडे को सुबह सुबह मार्केट लगती है, ये पटरी मार्केट, तो वही लगी हुई थी। बहुत धूप हो रही है, बहुत धूप है, इस धूप में हम लोग ये दोनों तो चुन्नी ले आए हैं। हमने सोचा था मौसम बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस दिन ही गर्मी होनी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, और मुझे नहीं पता था ये पीछे अंकल आ रहे हैं, मैंने उनसे कह दिया कि जल्दी आओ ना। हम लोग जा रहे हैं रिटालो मेट्रो में, पर हमें नहीं पता कैसे जाना है, तो हमारी बहनें हमें लेके जा रही है। ओह माय गॉड, मैं गिरने वाली हूँ। रिठाला हम पहुंच गए थे और हमने सोचा कि मैप में देखते हैं डायरेक्शन, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, लेकिन जो था हम ना अलग डायरेक्शन में चले गए थे, फिर हमें रिक्शा ही करना पड़ा। तो हम लोग इस्कॉन टेम्पल हो आए। हम लोगों को मैप जो था मैप देखने नहीं आया, क्या हमारा मैप गलत चल रहा था, तो हम लोग रिक्शे का वेट कर रहे हैं, जैसे ही रिक्शा मिल जाएगा तो हम रिक्शे के थ्रू जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं वाला रिक्शे को ले, वो बोल रहे ना रिक्शे। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे, और मंदिर जो था ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ये अभी अभी बना है, कुछ टाइम ही हुआ है इसको।
लेकिन अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। हवाई जहाज छोड़ गया निक्की, मुझे लगा स्कूटी से। जूते हमने उठाए हैं, क्या कर रही हो? कैसे पागल चाहे सारे। देख इनके तो लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, मंदिर काफी सुंदर है। कौन सी कॉल करना है बस? अगली बार ना स्वामी नारायण मंदिर चलेंगे। अच्छे नाम पे गए हो या वहाँ फोन अलाउ नहीं है दीदी? अरे वही तो है कश्मीरी गेट से पहले पहले पापा से मिलना है। मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है। दिल्ली में इतना सुंदर मंदिर है होने के बाद भी हम लोगों को आज पता चला है। और ऊपर हम जैसे जाएंगे तो वहाँ पे भगवान के भजन हो रहे हैं, कृष्ण जी के भजन, हरे रामा हरे कृष्णा। और मेरे को तो मज़ा आने वाला है, मगन होने वाले हैं हम। अगर वहाँ डांस होगा तो हम ज़रूर करेंगे। मंदिर सेकंड फ्लोर पे था, उससे पहले हमने सोचा चलो टीका लगवा लेते हैं, तो फिर हम सब ने टीका लगाया यहाँ पे। भाई भारी कितने हैं। All right.
तो मुझे बहुत खूब के जगह लगी है। ये अच्छा बना रखा है। देर तक हम मंदिर में बैठे रहे, भजन सुनते रहे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये मंदिर का बेसमेंट है, यहाँ पे पहले पुराना मंदिर था। फिर हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं। बाहर देखा तो आंधी जैसा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद बाहर मिल रहा था खिचड़ी का प्रसाद, तो हम सब ने वो प्रसाद खाया। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था खिचड़ी का प्रसाद। फिर उसके बाद हमने पी शिकंजी ठंडी ठंडी। मौसम अच्छा तो हो गया था, आंधी भी चल रही थी मतलब हवा, लेकिन ना गर्मी वैसे ही थी, तो हमने सोचा चलो ठंडी ठंडी शिकंजी पी जाए। ये है चारू की फ्रेंड मेघा, इनका घर पास में ही था तो उन्होंने कहा चलो मेरे घर चलो, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं। और देखो हमारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, सबकी सबका बैंड बज गया था। हाँ, तो फाइनली हम लोग चारू की फ्रेंड मेघा के घर आ गए हैं। तो यहाँ चल रहा है एसी, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ है इतनी गर्मी में। चारू कैसा लग रहा है? तो पानी नहीं पिया और हमने रसगुल्ले भी खाए हैं। तो वो है मेघा पका दी। हेलो हेलो, तो मेघा चारू के लिए लाई है स्पेशल अपने हाथ से बनाया हुआ ढोकला। तुम श्रेया यामिनी को कुछ कहना चाहोगे? अरे रहने दो, हाँ तो रोहित को कुछ कहना चाहूंगी। यामिनी, रोहित, कीर्ति सब देख लो। तो हम लोग हैं मेघा के घर पे और 3 बज चुके हैं और आज मेघा के घर पे लाइट भी गई थी। मेघा ने जानबूझ के बगाई तार बिजली का तार काट के आ गई थी। तो ये देखो जरा चारू मैडम है ना, उसी की गोदी में सो रही है। और ये बस जब से कैब करने में लगी हुई है ना 2 घंटा, जैसे मैप नहीं चल रहा था इनकी कैब भी नहीं चल रही है। अरे नोरी मेरा आ रहा है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे हमें मेगा का घर मिल गया, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लिया, वरना हम वहाँ पे अभी मंदिर में ही रहते। या तो घर जाते हैं या फिर हम रिठाला मेट्रो ऑफिस ले जाते हैं। नहीं वहाँ पे भी नहीं जाते, वहाँ पे कुछ नहीं। फिर हम कुछ खाने चले गए थे, हम खा के घर पहुँच जाते। पर चलो कोई बात नहीं, आज का दिन हमने ऐसे इंजॉय कर रहे हैं जो कि अनप्लान्ड है। प्लान तब तक था जब तक इस्कॉन टेम्पल था, उसके बाद सब कुछ अनप्लान्ड है। तो अब देखते हैं कैब वाला जैसे आएगा। ये इस्कॉन टेम्पल का जो प्लानिंग थी वो मैंने करी थी, इन्होंने करी। मैंने
और मैंने कहा था कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी चलेंगे और ये सुबह उठी भी नहीं है और मैं उठी थी 5 बजे। मैंने कॉल करके उठाया इन लोगों को। मैंने पता है मैं 5 बजे उठी थी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अभी क्या करूंगी, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस 2 बजे तो सोई है और 5 बजे उठी है, ऐसा हो सकता है। तो चलो अब हमारी कैब आ रही है, जैसे कैब आएगी हम लोग फिर वहाँ से ही बिठाएंगे। आप लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे घर को। तो आ रहा है ठीक है, रेस्टोरेंट होता है रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं इटालियन। हम मेगा के घर से निकल गए थे और हमें जाना था पैसिफिक मॉल, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है पार्ट 1, आगे का पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, तो बने रहना हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।